देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर बस्तर छत्तीसगढ़ से। राजेश मेहरा स्पेशल कोऑर्डिनेटर के साथ। मुक्ति मोर्चा ने आज बकावंड जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारियों के नेतृत्व में बकावंड जनपद सीओ को ज्ञापन सौंप 7 ग्राम पंचायत की समस्याओं से अवगत कराया है। ये विडंबना है कि एक तरफ राज्य सरकार यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं वो एक तरफ विकास की गाथा की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बकावंड ब्लॉक के 7 ग्राम पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं जिनके 60 साल वर्ष पूरे हो जाने के बाद ही वृद्धा पेंशन को भटकना पड़ रहा है। पेयजल की समस्या, सीसी सड़क की समस्या, ऐसी बुनियादी सुविधाएं जिनको लेकर ना जाने लाखों करोड़ रुपए के बजट हर वर्ष वित्तीय वर्ष के अंदर में जो है आवंटित किए जाते हैं, पर उनका मूल आवश्यकताओं से जो है आज तक वंचित रहना पड़ रहा है। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा ने आज जनपद सीओ को ज्ञापन सौंप अल्टीमेटम दिया हुआ है। 1 महीने का समय उन्होंने दिया है इन समस्याओं के समाधान के लिए। यदि ग्राम पंचायत के समस्याओं का समाधान 1 महीने के अंदर नहीं होता है तो बकावंड मुख्यालय में मुक्ति मोर्चा पूरे पंचायत वासियों के साथ जन आंदोलन करने के लिए मजबूर है।